brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. इसराइल और ईरान के बीच भयंकर युद्ध का आगाज हो चुका है। इसराइल अब एक एक कर ठिकानों को तबाह करने के लिए ईरान पर अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। इस बीच ईरान अपने बेड़े को मजबूत करने में लगा है, अपने स्तर पर युद्ध की तैयारियों में जुटा है। ईरान अपनी सेना को जमीन से लेकर पानी तक मजबूत करने में लग रही है। जब जमीन से इजरायली सेना का मुकाबला करने के लिए ईरान ने अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ समुद्र में अपनी नौसेना की ताकत को बढ़ाते हुए अपनी फ्रिगेट को भारी भरकम हथियारों से लैस कर रहा है। यहाँ खास बात यह है कि ईरान ने जो सैनिक सीरिया में भेजे थे उन्हें भी अब वापस बुलाना शुरू कर चुका है। इसके अलावा ईरानी नौसेना समुद्र में अपनी तैयारियों को और पुख्ता कर रही है। ईरानी नौसेना के कमांडर शहराम ईरानी ने बताया कि ईरान की नौसेना अदन की खाड़ी और लाल सागर के साथ ही मध्य ईरानी वाणिज्य के जहाजों की सुरक्षा के लिए अपने आप को और मजबूत कर रही है। इसराइल क्षेत्र में ईरान की मिसाइल और ड्रोन हमले के लिए जवाबी कार्रवाई की तैयारियों में जुटा है। शुरुआती घंटों में ईरान ने इसराइल पर जोरदार हमले किए थे। इसराइल पर ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन के जरिए हमला बोला था और इसके बाद से ही चिंता जताई जा रही है कि इसराइल अब ईरान पर हमला करेगा, क्योंकि इसराइल खुले तौर पर इसका आगाज कर चुका है। इसराइल कह चुका है कि ईरान के हमलों का जवाब वो जरूर देगा। इस बीच ईरान को डर है कि इसराइल उस पर समुद्र से वार कर सकता है, इसलिए ईरान अपनी नौसेना को और भी ज्यादा मजबूत कर रही है। ईरान ने बताया कि नौसेना का जमारन पोत अदन की खाड़ी में है और लाल सागर तक अपनी मौजूदगी रखेगा। जमरान फ्रिगेट ईरान की ज्यादा एडवांस मिसाइल और सेंसरों की एक श्रृंखला से लैस है। ईरान को इस बात की चिंता है कि इसराइल उसके जहाजों को निशाना बना सकता है। इसके अलावा इसराइली हमलों की संभावना को देखते हुए ईरान ने सीरिया में साइट से इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कर्मियों को निकालना भी शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक हिजबुल्ला ने भी अपने वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी सीरिया में घटा दी है। वहीं खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए सीरिया और इजरायली बॉर्डर पर कर्मियों की संख्या बढ़ा दी है। इसराइल को घेरने के लिए ईरान ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसके जवाब में इसराइल पहले से तैयार बैठा है। इसराइल पहले से ज्यादा मजबूत होकर ईरान पर धावा बोलने की तैयारी में है। वक्त लग रहा है, लेकिन इसराइल ये तय करके बैठा है कि एक साथ एक बार में ईरान पर वो जोरदार हमला करेगा जिसका मुकाबला ईरान से नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।